आज हम लोग पढ़ेंगे आम्लक्षार तथा लवण के बारे में, ठीक। इंग्लिश होगा एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है ना। बस समझ एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो होता है ये क्या होता है, तो जो कुछ भी हम खाने पीने में खट्टा महसूस करते हैं उसको हम किस में काउंट करेंगे, अम्ल, ठीक। जो कुछ भी खाने पीने के बाद हमको कड़वा लगता है, कड़वा नहीं समझ आता, तो सरसों का तेल, करेला कच्चा, ठीक ना, ठीक। तो ये सब हम हमारे लिए कौन सा है, कड़वा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं। और जो लवण होता है ये होता है उदासीन, मतलब ना तो ये खट्टा होगा ना तो कड़वा होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अम्ल और छार के मिलने से ही लवण बनता है, बस नहीं, अम्ल और छार के मिलने से, मतलब खट्टा और कड़वा, ठीक ना, दोनों मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यही हमको पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। तो अम्ल जो होता है ये क्या होता है, अम्ल की क्या विशेषता होती है, छार की क्या विशेषता होती है और लवण की क्या विशेषता होती है, बस समझ रही। अम्ल जो होता है इसका स्वाद जो होता है ये होता है खट्टा, कैसा होता, तो खट्टा, ठीक। बस समझ, छार और अम्ल जो होता है इसके अंदर जो है हाइड्रोजन आयन बनाने की क्षमता पाई जाती है, कौन से आयन, हाइड्रोजन है, ठीक ना। हमको जो है मतलब पहले इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, मतलब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आता है कि जब हम नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर, ठीक ना, नीला लिटमस पेपर को अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे, मतलब अम्ल में डुबाएंगे या अम्ल उस पर लगाएंगे, है ना, तो ये जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये लाल रंग का हो जाता है, मतलब इसका कलर ही चेंज हो जाता है, बस ना रही ना। नीला लिटमस पेपर को आप क्या करेंगे, अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे, तो ये नीले से किस रंग का हो जाएगा, ये लाल रंग का हो जाएगा। ये हो गया हमारा किसका क्वालिटी, अम्ल का, ठीक है, अम्ल का विशेषता हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बात करते हैं क्षार क्या होता है। अब क्षार में जो है अगर बात करें, इसका जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा, कैसा होता है, कड़वा, ठीक है ना। बस सुन ले, कोई दिक्कत, मतलब जो आपको अजीब टाइप का लगे, तो जैसे करेला वरेला कच्चा खाए होंगे ना, ठीक, मान लीजिए करेले की सब्जी बनी, वो पूरा जो है अच्छे से फ्राई नहीं हुआ, ठीक ना, मतलब उसमें तेल में अच्छे से नहीं पका, तो आपको तीखा लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कड़वा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कड़वा का मतलब तीखा है यार। अब बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसमें एच प्लस आयन था, तो इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है ओ एच माइनस, और इस ओ एच माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, हाइड्रोजन आयन। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ एच के ऊपर एक माइनस लगाना कंपलसरी है, ठीक ना, आप इसको भूल नहीं सकते, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बात करते हैं इसका लिटमस पेपर वाले मामले में क्या रिएक्शन होता है, तो इसका जो लिटमस पेपर वाले मामले में रिएक्शन होता है वो अम्ल का उल्टा हो जाएगा। ये लाल लिटमस पेपर को अगर आप किसी क्षार के संपर्क में ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये जो है, अगर मान लीजिए कोई लाल रंग का लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर, ठीक है ना, लिटमस पेपर, और इसको आप किसी क्षार के संपर्क में ले जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस रंग में, लाल से नीले रंग में, बस समझ, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, क्लियर है ना, यस।
ये स्वाद में कैसा होता है अम्ल? खट्टा। और छार कैसा होता है तो कड़वाया तीखा। अम्ल कौन सा आयन देता है तो हाइड्रोजन है, और छार कौन सा आयन देता है तो हाइड्रोक्सिल है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पेपर के संपर्क में आने पर उसका कलर कैसा बना देगा? और छार जो होगा वो लाल लिटमस पेपर को जो है जैसे ही छार के संपर्क में ले जाएंगे कैसा बना देगा? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। इतना हमको आपको पता है कि अम्ल और छार, जैसे मान लीजिए अगर आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति को सांप काट लिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो सांप काटने पर उसको इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी एक प्रकार का वेनम या जहर ही होता है। बात समझ आ रही ना? तो वो जो जहर होता है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सांप नहीं काटा है, वो इंजेक्शन लगा दिया गया, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी लोहा लोहे को काटता है। ठीक, तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो कंफर्म होना चाहिए कि सांप काटा है कि नहीं काटा है। अगर सांप नहीं काटा रहेगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ से सांप का जहर जो डंक मार चुका है, दूसरे तरफ से बाई इंजेक्शन दवा के रूप में वो भी जहर ही होता है, दोनों की जब टक्कर होती है तो क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। बस समझ रही ना? तो उदासीन हो जाते हैं तो उसका कोई भी स्वाद, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं आता। करना क्या है, अगर मान लीजिए हम अम्ल और छार को मिला दें, अम्ल और छार को मिला दें, ध्यान दीजिएगा, अम्ल और छार, यही ना, अम्ल प्लस छार, कोई दिक्कत? अम्ल की पहचान क्या है? एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, एच प्लस आयन। और छार की पहचान क्या है? OH माइनस आयन। एक प्लस इधर, एक माइनस इधर, तो ये क्या हो जाएगा? H2O, ये हो जाएगा H2O। पानी आपको आज तक कैसा लगा? खट्टा लगा या कड़वा लगा या नॉर्मल लगता है? नॉर्मल का मतलब उदासीन होता है कि कोई उसमें जो खट्टा या कड़वा का स्वाद आता है? उदासीन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर अम्ल और छार को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है कौन सी क्वालिटी आएगी? तो उदासीन वाली क्वालिटी। बात समझाएगी? समझाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हर अम्ल और छार को मिलाने पर उदासीन ही प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन जो उत्पाद होता है उदासीन वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। बात समझाई? कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। बात समझ रही ना? एकदम बहुत आसान है। केवल जो है पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो देखने के बाद खिचड़ी हो जाएगा दिमाग। ठीक, तो एक बार फिर से, अम्ल छार तथा लवण एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल जो होता है इसका स्वाद कैसा होता है तो खट्टा। अम्ल कौन सा आयन देता है तो हाइड्रोजन आयन। अम्ल की क्वालिटी होती है कि जब ये नीला लिटमस पेपर के संपर्क में आएगा तो कैसा हो जाएगा? इसलिए हमने क्या लिखा? नीला लिटमस पेपर प्लस अम्ल। प्लस का मतलब उससे जुड़ रहा कि दूर जा रहा है? जुड़ रहा है। तो जब नीला लिटमस पेपर अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रहेगा पेपर ही लेकिन कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझे? फिर अगला मामला आता है छार का। छार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा या तीखा। बात करें इसमें कौन सा आयन पाया जाता है तो हाइड्रोक्सिल आयन। ये OH के ऊपर दो माइनस कहां से आया? एक माइनस कहां से आया? तो ऑक्सीजन पे दो माइनस और एक हाइड्रोजन पे एक प्लस। एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या हो गया? कैंसिल। ये बचा क्या? O के ऊपर माइनस H, लेकिन सुविधा के लिए क्या करते हैं? OH माइनस लिख देते हैं। तो छार के ऊपर हमारा कौन सा आयन पाया जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है। क्लियर? और इसको जो है ना, छार को जो हम लाल लिटमस पेपर के संपर्क में लाते हैं, मतलब किसी लाल लिटमस पेपर को हम छारक में डुबाएंगे ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नीले रंग। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अम्ल होता क्या है। कुछ अम्ल के उदाहरण जो है यहां पर हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं H2SO4। ठीक है ना? बात समझ रही? H2SO4 और HCl, HCN, ठीक है ना?
तो इसमें एक चीज हमको देखने को मिल रहा है कि यच है कि नहीं है, तो जिसमें यच होगा वो क्या होगा, कुछ समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है क्षार की बात करते हैं तो याद रखिएगा एक सिस्टम हमारा बकना, ठीक ना, क्या बकना, बा का मतलब बी ए और के का मतलब के और ना का मतलब एन ए, ठीक ना। इन सब के साथ हम बारी बारी से क्या जोड़ दें, ओ एच, बस वही क्या जोड़ दें, ओ एच, क्योंकि छार की पहचान ही क्या होती है उसके साथ क्या जुड़ेगा, ओ एच, है ना। तो बी ए के साथ जो है हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओ एच, बेरियम हाइड्रोक्साइड बी ए ओ एच का होल ट्वाइस। के साथ ओ एच जोड़ देंगे, देखिए अब ये बनेगा क्या, बी ए ओ एच का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। के साथ ओ एच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के ओ एच। एन ए के साथ ओ एच जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एन ए ओ एच। तो ये जो है हमारे कुछ पहचान है और कुछ सूत्र हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। एक काम करिए, इतना बनाइए, समझ में आया ना 100%, ठीक। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम अगर जो है बात करें कि कैसे बोलेंगे कि नमक प्राप्त हुआ उदासीन हो गया, करना कुछ नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया, अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, लवण जो कि कैसा होता स्वभाव से, यहाँ पर जो है अम्ल हमारा कौन सा है तो H2SO4, है ना, H2SO4। इसकी क्रिया करवा देते हैं किसके साथ, तो KOH के साथ, ठीक, या NaOH के साथ करवा दें, NaOH, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, Na चला जाएगा किसके साथ, ये नहीं चला जाए किसके साथ, एसओ, ठीक। तो ये हमारा बनेगा क्या, Na2SO4, कैसे बनता है वो बाद में देखेंगे, और OH और H मिलके क्या बन जाएगा, H2O, है ना। अब यहाँ पे सोडियम कितना बता रहा है, 2, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्लियर। और फिर जो है सोडियम 2 हो गया, अब हाइड्रोजन कितना बता रहा है, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 से गुणा हो गया, ठीक, और 2 हाइड्रोजन इधर, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा मार दें तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 = 4, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। सल्फर देखिए 1 बता रहा है तो सल्फर 1 ही है, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर हो गया 4, और इधर हो गया 4 × 2 = 6, इधर 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 4 × 2 = 6, सब बैलेंस है ना, बस हो जाए कि नहीं आई। ये जो हमारा ये N2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट, यही हमारा क्या है, एक तरीके का जो है लवण है, बस हो जाए। और ये स्वभाव से कैसा है तो उदासीन, क्योंकि SO4 पर 2 माइनस और 1 सोडियम पर कितना प्लस पाया जाता है तो 1 प्लस, तो अगर 2 सोडियम जाएगा तो कितना प्लस लेके जाएगा, 2 प्लस, तो 2 प्लस और 2 माइनस मिलके क्या हो गया, कैंसल हो गया। घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी अभिक्रिया के माध्यम से जो है हमको खुद ब खुद जो है लवण या साल्ट की प्राप्ति हो जाती। बात सुनिए, कोई दिक्कत, पूरा बना लीजिए। अब हेडिंग डालिएगा अम्ल। अभी तक हम लोगों ने केवल अम्ल क्षार और लवण के बारे में जो मतलब परिचय लिया कि मतलब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। बात समझे, कोई दिक्कत, तो ये तो हमको पता हो गया कि अम्ल जो होता है ये खट्टा होता है, क्षार जो होता है ये कड़वा होता है, और जो लवण होता है ये कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक ना। अम्ल पे हाइड्रोजन पाया जाएगा, क्षार पे हाइड्रोक्सिल पाया जाएगा OH माइनस, और ये लवण पर जो है कोई भी चार्ज नहीं पाया जाएगा, ठीक, ना ही कोई आयन पाया जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग लिखेंगे अम्ल की परिभाषा, ठीक। तो देखिए, वे पदार्थ जो
स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं कामा जल में हाइड जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिखेंगे H प्लस प्रदान करते हैं तथा अम्ल नीले लिटमस पेपर के संपर्क में आने पर इस पेपर का रंग नीला से लाल कर देता है ठीक है ना बस सुन तो देखिए वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं खट्टे होते हैं मतलब आप खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा खट्टा लगेगा जल में घोलने पर मतलब जब आप उसको जल में डालेंगे तो वो कौन सा आयन देगा हाइड्रोजन आयन देगा और यदि अम्ल को नीला लिटमस पेपर के संपर्क में लाया जाता है तो नीला लिटमस पेपर जो है उसका कलर क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा ठीक ना। और रफली डायग्राम की अगर हम बात करें तो अम्ल जो होता है ये स्वाद में होता है खट्टा होता है ठीक। और यह जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या देगा हाइड्रोजन आयन प्लस जल का मतलब क्या अम्ल प्लस जल ये क्या देगा हाइड्रोजन आयन देगा। और साथ ही यदि अम्ल जो है जाके जुड़ेगा किससे तो नीला लिटमस पेपर से ठीक। तो ये जो है इसको किस रंग में कन्वर्ट कर देगा तो लाल में बात समझ आई। और साथ ही अगर बात करें पीएच मान की तो अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्लों का जो पीएच मान होता है पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है लेस देन 7 मतलब 7 से कम ठीक है ना। 7 से कम होगा तो खट्टा होगा। अब जितने ज्यादा होगा जैसे मान लीजिए किसी का पीएच मान जो है ना 3 होगा तो बहुत ही खट्टा होगा। जिसका पीएच मान 1 होगा उसको आप खा नहीं पाएंगे जल्दी। जिसका पीएच मान 5-6 होगा ना उसको आप थोड़ा बहुत खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब आराम से खाएंगे मजे से ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आम ही देखते ना कोई कोई आम बहुत खट्टा होता है जो जितना खट्टा उसका पीएच मान उतना कम है और जो जितना कम खट्टा उसका पीएच मान उतना क्या 7 के लगभग है। मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं ये 1 से लेकर के 14 तक का स्केल है ध्यान दीजिएगा 1 से 14 तक का क्या है ये स्केल है 1 से 14 के बीच क्या आएगा 7 आएगा। जिसका पीएच 7 के पहले 6 5 4 3 2 और ये 1 7 के बाद 8 9 10 11 12 और ये 13 ध्यान दीजिएगा। मतलब जिसका पीएच मान 6 होगा ना
वो थोड़ा सा कम खट्टा होगा, बहुत कम, बहुत कम खट्टा होगा, ठीक है ना। और जिसका पीएच मान एक होगा ना, आप उसको एक बार खाने के बाद सोचेंगे दोबारा खाएं कि ना खाएं, इतना खट्टा होगा, ठीक। और जिसका पीएच मान जो है 8-9 होगा, वो थोड़ा बहुत नमकीन होगा। थोड़ा बहुत क्या होगा, नमकीन होगा, मतलब जो है वो थोड़ा बहुत कड़वा होगा। और करैया वरैला पीएच मान इधर आ जाता है, रही रही वाले मामले में, है ना, 13-14 के आसपास, 12-13-14। मतलब जिसका पीएच मान 7 से जितने कम होगा, जितने कम से कम होगा, उतने ज्यादा क्या होगा, खट्टा होगा। और जिसका पीएच मान 12-13-14 होगा, वो इतना ज्यादा कड़वा होगा ना कि आप जो है सोचेंगे खाए कि थूक दे। बात सुन रही, तो करेला वगैरह जो है बहुत कड़वा होता है, वो सब चला जाएगा उधर तेरही रही वाले मामले में, इसीलिए करेला तेरही रही बनवाते हैं, ठीक। बात सुन रही, ये जो है याद रखिएगा। अब जिसका 7 होगा वो जो है एकदम से उदासीन होगा, ना तो खट्टा होगा ना तो कड़वा, मतलब 7 पर क्या होता है तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा, ना तो आपको खट्टा लगेगा ना तो कड़वा, ठीक है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गई बात। अब कुछ अम्लों के नाम लिख लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए H2SO4, HCl, HCN, CH3COOH, ठीक। नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं OH आ गया ना, ये छाल हो गया यार, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ये, हाँ सिरका, CH3COOH, और फिर अगला हो जाएगा हमारा जगह नहीं है, इधर लिख दें, नीचे लिख दें, C6H8O7, इसको क्या बोलते हैं, सिट्रस अम्ल। ये सिट्रस अम्ल किसमें पाया जाता है, तो जो सिट्रस फल होते हैं, सिट्रस फल का मतलब आपका हो जाएगा संतरा, नींबू, है ना, ये सब किसमें आ जाएगा, मतलब रसदार जो खट्टे फल है उसको हम किसमें काउंट करते हैं, सिट्रस में। बात समझ आई, ये हो गया हमारा सिरका का सूत्र, विनेगर जिसको बोलते हैं, ठीक। ये हाइड्रोजन साइनाइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये हमारा सिट्रस अम्ल है, सिट्रस अम्ल, ठीक। बस सुन रही, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जो है इस डायग्राम को थोड़ा समझिएगा, अम्ल जो होता है इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल जल के साथ क्रिया करने पर हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल नीला लिटमस पेपर के संपर्क में जाएगा तो उसका रंग कैसा कर देगा, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है ना। बस समझ आई, 7 भी नहीं हो सकता, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, ठीक। बना लीजिए इसको, ठीक है ना। अम्ल के प्रकार की बात अगर करें, अम्ल के प्रकार, तो अम्ल को जो हम बेसिक बेसिक दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा प्रबल अम्ल और एक हो जाएगा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दूसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक, प्रबल का मतलब क्या होगा, जो अधिक शक्तिशाली हो, ठीक, और दुर्बल का मतलब जो अधिक शक्तिशाली, इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्ट्रांग एसिड, इसको बोलेंगे वीक एसिड। स्पेलिंग क्या होगा, डब्ल्यू वी के, हाँ
एसिड, डबल ई लगाएंगे तो सप्ताह हो जाएगा, हफ्ता है ना, अमरीश पुरी वाला फिल्म में देखे ना हफ्ता वो सुनने वाला काम। अब देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है, करना कुछ नहीं है, अगर कोई अम्ल है उसको आप जल के साथ मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जिसको जल के साथ मिलाने पर ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल, ठीक है ना, अभी बता रहा हूं। और अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा अम्ल है जिसको आप जल के साथ मिलाते हैं, ठीक है ना, वैसे प्रबल अम्ल में क्या हो जाएगा, ऐसा अम्ल जिसे जल के साथ मिलाने पर, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, यहां पर जो हम एक अलग से बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना, अम्ल है उसको हम किसके साथ मिला देते हैं, तो जल के साथ मिला देते हैं, ठीक ना, अम्ल को किसके साथ मिलाते हैं, जल के साथ, और वो अगर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल, और ये आयनित होकर के क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक, मतलब हाइड्रोजन आयन जो है ना वो सबका सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल। अभी देखिए एग्जांपल के सहारे समझ में आ जाएगा। दुर्बल अम्ल क्या होता है कि जब हम किसी अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, मतलब जितना हाइड्रोजन उसमें होता है सब का सब हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, कुछ हाइड्रोजन उसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आयनित होना का मतलब अलग होना, टूट जाना, ठीक है ना, आयन में परिवर्तित होना। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को लेते हैं, H2SO4 इसको हम लोग जल में मिलाएंगे तो ये H आयन और SO4 आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, H पे क्या पाया जाएगा, प्लस, इधर कितना हाइड्रोजन है, दो, तो यहां दो से गुणा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये हो गया हमारा। अब एक चीज बताइए, SO4 में कहीं से भी H लिखा है, नहीं लिखा ना, तो इसमें एक को H नहीं बचा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नाम की चीज नहीं है, बात समझेंगे, समझाइए, कोई दिक्कत। अब वहीं पे अगर मान लीजिए सिरका ले लेते हैं, CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH, अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसको जब जल में मिलाया जाएगा तो ये जो है CH3 और COO- में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का जो है H प्लस आ जाएगा। अब एक चीज बताइए, इसमें हाइड्रोजन बचा है कि नहीं बचा है, इसमें हाइड्रोजन अटैच है ना, तो जिसमें हाइड्रोजन बचा रह जाए, मतलब पूरा का पूरा जितना हाइड्रोजन सब ना निकले, उसको हम किसमें काउंट करेंगे, बात सुनिए सुनिए, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन अलग हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अलग हुआ है, लेकिन अलग होने के बाद जो दूसरा पार्ट है उसका, इसमें एक को हाइड्रोजन है नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इधर तो C के बाद जो H3 लिखा है वो कितना हाइड्रोजन बचा रहा है, बता रहा है 3, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा है 3, तो पूरा का पूरा अलग हुआ, कुछ बचा है, बचा है इसमें ना, अगर बचा है तो पूर्ण रूप से आयनित हुआ कि नहीं आयनित हुआ, नहीं आयनित हुआ। अगर पूरा का पूरा जो है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि एक ये मान लीजिए कोई सरिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, अगर आपसे बोला गया कि यहां से यहां तक जो है ये लोहा है, इधर जो है ये जस्ता है, इधर लोहा है उधर क्या है जस्ता है, आपको ऐसे तोड़ना है कि ना तो लोहा बर्बाद हो ना तो जस्ता बर्बाद हो, मतलब अगर आप बीच से ठीक काट ले जाएंगे तब तो जितना जस्ता है वो अलग हो जाएगा और जितना लोहा वो भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से आपसे काटते समय जो है ये कुछ ऐसे हो गया तो थोड़ा सा जस्ता बर्बाद हो गया, लोहे वाले पार्ट में आ गया नहीं आ गया,
आ गया ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर पूरा का पूरा जितना आयनित होना चाहिए उतना हो जाएगा तो बोलेंगे प्रबल है, अगर पूरा का पूरा नहीं निकला उसमें तो क्या बोलेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, दुर्बल हो गया। अगर पूरा निकल गया तो बोलेंगे प्रबल अम्ल है, अगर पूरा नहीं निकला तो दुर्बल, ठीक ना। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, जब उसमें से सारा का सारा हाइड्रोजन अलग हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। जब उसमें से सारा हाइड्रोजन ना अलग हो, कुछ हाइड्रोजन बच जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। बात समझाई, कोई दिक्कत? तो देख रहे हैं दोनों केस में हाइड्रोजन तो अलग हो रहा है लेकिन इसमें कुछ हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, लेकिन इधर क्या है, दो हाइड्रोजन था दोनों अलग हो गए, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा है। बात समझाई, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बना लीजिए ऐसे। प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल। तो परिभाषा इसकी हम लोग लिखेंगे, वे अम्ल जो जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे हम कह सकते हैं HCl ये जो है टूटेगा किस में, H2 और Cl2 में, ठीक। तो यहां पे दो से गुणा कर देंगे, एक चीज हमको देखने में आ रहा है यहाँ पे कि ये जो है HCl में से हाइड्रोजन जितना था वो पूरा अलग हो गया कि बचा है, अलग हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। H2SO4 ये हो जाएगा H+SO4 के ऊपर दो माइनस, दो से इधर गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हमारा प्रबल अम्ल की परिभाषा, ठीक है ना। मिटाए लिखिए जल्दी से। अगला हिंगा लिएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक ना, वीक एसिड। अब देखिएगा यहां पर मामला वही होगा कि अगर मान लीजिए आप कोई अम्ल जल में मिलाते हैं तो वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन में आयनित नहीं होगा, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी, वे अम्ल जो जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से
हाइड्रोजन आयन में आयनित नहीं होती। आयनित नहीं होते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए था, फिर कमजोर है बेचारा ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये सब मिलना चाहिए था इसको। ठीक, ये क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे जो है इसमें हमारा आ जाएगा CH3COOH, सिरका या विनेगर, या इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक, ये टूटेगा किसमें? तो CH3COOH यहां पर दो एक माइनस रहेगा और H प्लस यहां पे एक जगह, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, लेकिन ध्यान बोला हाइड्रोजन, ठीक ना। बाढ़ आई थी, एक लोग निकल गए, तीन लोग रह गए। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 100% अलग नहीं हो पा रहा है, इसलिए कौन सा अम्ल है? तो ये दुर्बल अम्ल है। बात समझ आई? ठीक, कोई दम नहीं इसमें? आज ये छोड़ दीजिए।